ईश्वर की मर्जी है, मौत का अप्रोच ना करो। हम आए हैं कब्रस्तान कोट जमल, प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब उनकी कब्र है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले तमाम लोगों को, तमाम व्यूअर्स को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक। माह रमज़ान का बबरकत महीना जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ और आज जो है ईद उल फितर है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर ये मौका बख्शा, सादत बख्शी कि अल्लाह ताला ने हमें हमारी ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक दिया और हमने रोज़े रखे, इबादत की, नमाज़ें पढ़ी। अल्लाह ताला सब की नमाज़ें रोज़े अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आज जनाब ईद उल फितर का दिन है, बड़ी खुशी का दिन है। और अभी सुबह का टाइम है, अभी जनाब हमारी मस्जिद में जो नमाज़ का टाइम 7:30 बजे गए और अभी हम रेडी हो गए हैं, अभी चलेंगे नमाज़ पढ़ेंगे, बाकी जो लोगों से वो मिलेंगे और आपको इंशाल्लाह ये पूरा ईद का जो व्लॉग दिखाएंगे, बाकी अपने जो फैमिली मेम्बर हैं उनसे भी मिलाएंगे। और वंस अगेन तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक।
मौजूद हैं जी घर पे, और अभी जनाब आपको मिलवाते हैं। मेरे साथ कुछ मेरी फैमिली के मेम्बर हैं, तो सबसे पहले जनाब बहू खरसा बहू जी अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक जनाब सब व्यूअर्स को बोल दें। हमारी तरफ से सब व्यूअर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहू जी कैसा लग रहा है जी आज का दिन? माशाल्लाह बहुत अच्छा जी। ये जनाब दनान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक साहब। मुबारक साहब बहुत शुक्रिया। और सही है और जनाब इस तरफ हैं हमारे फादर जान प्रोफेसर मोहम्मद रियाज चौधरी साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ हैं जनाब फादर साहब। अबू जी ईद मुबारक, बाकी सब लोगों को ईद मुबारक बोल दें। खैर मुबारक भाई, सब लोग जो देख रहे हैं सबको ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला इस खुशी के मौके पर सबको हकीकी खुशी नसीब फरमाए। आमीन। इस टाइम मौजूद है जी कोट जमल कब्रस्तान में। यहाँ पे वाला साहब के दोस्त प्रोफेसर चौधरी इकबाल साहब उनकी कब्र पे आए हैं, और ये जनाब कब्रस्तान है कोट जमल वाला। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त कब्रस्तान ऑर्गेनाइज किया हुआ है इन्होंने कोट जमल वालों ने। वो उस तरफ जो है वो जनाजा का है। ये जनाब सारा कब्रस्तान है, ये जनाब कब्र है प्रोफेसर इकबाल साहब की। ये स्लीप सा जनाब यहाँ पे फूल डाल रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। ये वाले सब खड़े हैं साथ, उनके कोई दोस्त हैं। ये जनाब कोट जमल का सा ये जनाजा का है इस तरफ, और ये सारा कब्रस्तान है। और स्लीप साहब और अबू जान जो है कब्र पे फूल डाल रहे हैं, और अभी जनाब दुआए मगफरत भी करेंगे। हाँ जी कैसी गुजर रही है आप सब लोगों की ईद? हमारी ईद तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है, फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मेरी ये पाकिस्तान में तकरीबन 3 से 4 साल के बाद जो है ये मेरी ईद आई है पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पिछले तकरीबन 1.5-2 माह से पाकिस्तान में मौजूद हूँ और फैमिली के साथ टाइम गुजारा है, और फैमिली के साथ जो मोमेंट होती हैं आप लोगों को पता है कि वो बंदा बहुत इंजॉय करता है, और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। और अभी जो है नमाज का टाइम है, नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और उसके बाद की जो रूटीन होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नए आने वाली वीडियो पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बाकी जो है हम सुबह से जो बाकी हमारे रिलेटिव से सबके घर गए हैं, ईद मिले हैं, खाना शाना खाया है, और बड़ा अच्छा लगा है। वो आपके साथ मैंने सब चीज़ें शेयर नहीं की, सारे क्लिप मैं नहीं ले सका, और जो जो मैं मुनासिब समझ रहा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बाकी भी इंशाल्लाह आपके साथ जो भी रूटीन होगी जो भी हम करेंगे वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो अभी चलते हैं नमाज के लिए, तो फिर आपसे। जनाब इस टाइम हम आए हैं अपनी सिस्टर के घर, बड़ी सिस्टर हैं जो हमारी घर के पास ही हैं उनके। ये जनाब घर है इनका, इन्होंने अभी नया बनाया है, ठीक है। ये अभी लान वगैरह तैयार हो रहा है, और बाकी अब अंदर जो है सारा काम मुकम्मल हो चुका है, बाहर जो है अभी रंग वगैरह का रहता है, बाकी जो है वो सारा काम हो गया। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत घर बनाया, और बड़ी पुरफजा लोकेशन है, खुली लोकेशन है, बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है। तो अभी चलते हैं अंदर, बाकी सारे अंदर हैं तो उनको मिलते हैं। इस टाइम मैं आया हूँ घर के टॉप रूफ पे जनाब, आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ कि यहाँ का जो आसपास का व्यू है वो कैसा है। बड़ा शानदार व्यू है, बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है, पुरफजा, और इस टाइम जनाब बड़ी ठंडी हवा चल रही है। अभी दिखाता हूँ जनाब आपको, ये देखे इस तरफ जनाब ये सारी गंदम की फसल है जितनी आपको नज़र आ रही है, ठीक है जी। और इस तरफ जो है ये आर्मी का एरिया है, यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है, और बाकी ये सारा आर्मी का एरिया है। यहाँ पे इस साइड पे कुछ आबादी है, और ये एरिया बिल्कुल खाली है, ठीक है। इस साइड भी पीछे आबादी है, और बाकी जनाब इस तरफ चले जाए तो हमारा जो इलाका है, हमारा जो गांव है वो इस तरफ है। ये जो आपको आबादी नज़र आ रही है ये सारी हमारा घर जो है वो इस तरफ है, और यहीं पर आगे जनाब मेन रोड गुजर रही है, ठीक है जी। यहाँ की ये लोकेशन है, और बड़ी ज़बरदस्त जगह है, बिल्कुल यहाँ पे घर बना हुआ है, बिल्कुल आसपास जो है वो घर नहीं है, और बड़ी हाइट पे है जगह, और हवा जो है बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे लग रही है अभी। ये जनाब अभी आपको फ्रंट साइड का एरिया दिखाता हूँ, ये चेक करें जनाब। ये सामने जनाब इन्होंने नया लान तैयार किया है, साइडों पे कुछ फलदार दरख्त लगाए हैं, ठीक है जी। और इस तरफ कुछ आबादी है, और बाकी जनाब ये बिल्कुल इस साइड सारी खाली है, और बड़ी ज़बरदस्त हवा चल रही है इस टाइम।
जनाब इस ईद व्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आएगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी तरफ से वंस अगेन सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक।